हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मेरी हो रही है पूजा, आ गई हूँ नहाकर और पूजा कर रही हूँ अपनी। 8:30 का ऐसा कुछ टाइम हो चुका है, तो अभी मेरी चाय नहीं हुई है और मैं पूजा कर रही हूँ। और चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, उधर मेरी चाय बनेगी, इधर मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो ये हैं हमारे घर के छोटे से लड्डू गोपाल, और इनको नहला धुला कर और इनके कपड़े वगैरह पहना कर और बस, और इनका भोग वगैरह लगा कर। और भोग में क्या है कि मैंने कुछ मेवा मंगा के रखी हैं, तो मैं उन्हीं का भोग लगा देती हूँ। और मतलब क्या है कि रोज़ रोज़ कुछ तो नहीं ऐसा बनाती, और जो कुछ भी घर में बनता है उसी को खाने के लिए भी बोल देती हूँ। जो भी जैसा भी बनता है तो वही चीज़ मैं बोल भी देती हूँ खाने के लिए उन्हें भी। और सुबह दूध आता है तो दूध का भी बोल देती हूँ पीने के लिए, मतलब एक बोलना होता है। और बाकी तो आस्था वाली बात होती है, बाकी तो कुछ नहीं। तो मेरी तो चाय बन चुकी थी, तो पी लेती हूँ चाय। और उसके बाद करना है क्या, तो कपड़े मैंने धुल के रखे हैं तो वो मुझे अभी डालने हैं बाहर सुखाने के लिए। तो पहले चाय पी लेती हूँ, और इधर दूध भी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो दूध हो रहा है मेरा, और धीरे धीरे होता रहता है गर्म, धीरे धीरे होता है ना गर्म, तो अच्छे से हो जाता है। और तेज़ गर्म करके रख लो तो फिर वो हो तो जाता है, उतना अच्छा नहीं होता है। तो कपड़े मैंने ना हाथ से ही धुले थे, मशीन में नहीं लगाए थे, और सुखाए भी नहीं है मशीन में, क्योंकि जो धूप है तो देख रहे हो आप लोग कैसी धूप निकल रही है, और तेज़ धूप निकलती है। लेकिन क्या है, धूप तो तेज़ निकलती है लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चलती है, और अभी भी बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मतलब ना जितना अंदर सुकून नहीं होता है ना, उतना बाहर सुकून होता है, इतनी अच्छी हवा लगती है। क्योंकि एसी, कूलर, पंखे सभी फेल होते हैं जब नेचुरल हवा चलती है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बारिश वाला ही मौसम चल रहा है। फ़िलहाल कुछ मौसम में चेंज तो हुआ है, और थोड़ा सा मौसम हुआ है चेंज, गर्मी उतनी नहीं है पर है, गर्मी है। अंदर तो गर्मी बहुत लगती है और बाहर धूप है, लेकिन बाहर निकलो जब खुली हवा लगती है ना, तो बहुत सुकून सा पहुंचता है मन को। तो देखो ना कितनी तेज़ हवा चल रही, पेड़ वगैरह ना, और ये वाली जो चीज़ है ना, नेचर की चीज़ नेचर वाली ही होती है। कितना भी कूलर, पंखे, एसी में वो काम नहीं है जो नेचर वाला हवा, जो नेचुरली चीज़ में फीलिंग आती है वो इन चीज़ों में, मशीनरी में नहीं आती है। तो एक मेरे कपड़े थे और मैंने आज ड्रायर में नहीं निकाले हैं, क्योंकि धूप ऐसी निकलती है कि कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो अभी मुझे बनाना है खाना, और खाने की करनी है तैयारी। तो मैंने बनाई थी छोले, छोले तो छोले की सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, और ये है लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी सी खाली लौकी की सब्ज़ी है। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं इसका ना रायता बनाऊंगी, तो ये सब्ज़ी थी थोड़ी सी बची हुई। क्या हुआ, कल मंडे था और मेरा व्रत था, और बेटी का भी व्रत रखा था उसने, और बेटे के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी लंच में लगाने के लिए, तो उसने स्कूल में नहीं खाई, तो वैसा ही टिफ़िन उसका वापस आया था, तो वही बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ था। और आजकल जो सब्जियां हैं, सभी लोगों को पता है कि बारिश का टाइम है तो सब्जियां कम मिलती हैं, और दूसरा इतनी महंगी मिलती हैं, बहुत महंगी हैं सब्जियाँ, तो काफ़ी मसाला वगैरह डालकर और तेल वगैरह डालकर सब्ज़ी तो और भी ज़्यादा फिर हो जाती है महंगी। तो मैंने सोचा चलो इसको दही में डालकर और इसका रायता ही बना लेते हैं, क्यों वेस्ट करिए इतनी महंगी चीज़ है, क्योंकि सब्ज़ियाँ अभी बहुत महंगी है। जो ये लौकी अभी 50-60 रुपए किलो है, वही लौकी जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तब 15-20 रुपये किलो बिकती है।
तो अभी तो बारिश करके सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है, और बच्चे हैं जो खाने में नखरे इतना दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बनाओ भी तो क्या बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश का टाइम है, तो गिनी चुनी वही 4-6 सब्जियाँ आती है, और ये लोग भी वो खा खा के हो जाते हैं बोर, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना घर का कम और बाहर का सामान ज़्यादा पसंद आता है। तो बस अभी मैंने चावल के लिए रख दिया है पानी, और ये चावल है बासमती वाले जो आता है ना पुलाव चावल, तो ये वो वाला चावल है, तो मुझे वो चावल बनाना है, इसलिए थोड़ा सा था और इस छोटे डब्बे में था। और जो हम डेली यूज़ का चावल है तो वो हमारा दूसरा चावल है, तो वो रखा हुआ है बड़े डिब्बे में, तो क्योंकि ये चावल महंगा भी आता है तो ज़्यादा तो हम नहीं मंगाते, थोड़ा ही मंगाते हैं, जब कभी मतलब इस टाइप से कोई सब्जी मंगाते हैं तभी वो पुलाव वाला चावल बनाते हैं। तो ये चावल आज मैंने छोले की सब्जी बनाई थी, तो मेरी बेटी को आज ये वाला चावल खाना था, तो बस वही मैं साफ कर रही थी और धुल कर डाल दूँगी। हाँ ये है कि ये वाला चावल ना बनता बहुत जल्दी है। घर में जितने ही मेंबर होते हैं सभी की पसंद अलग अलग होती है, सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, पर डेली डेली मेरे से तो नहीं हो पाता है कि मैं सबकी पसंद का अलग अलग आइटम बनाऊं। हाँ एक आध दिन होता है तो मैं बना देती हूँ, आज इसकी पसंद का कल उसकी पसंद का, लेकिन डेली रोज़ ही हर किसी के अलग अलग पसंद का बनाऊं तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस क्योंकि हम भी ना सुबह से 5 बजे से उठकर लगते हैं, और कितना घर में काम कर लो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो घर का काम होता है तो वो घर के काम की कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं होती है, किसी को नज़र नहीं आता है। बाहर करके आओ तो उसकी कीमत भी होती है और उसकी वैल्यू भी होती है, लेकिन घर में कितना भी कर लो कोई काम नहीं कोई कीमत नहीं, घर का ही काम है ये होता है कहने के लिए। तो बस ये मैं काट रही थी प्याज, क्योंकि छोले की सब्जी के साथ हम लोगों को प्याज काफ़ी अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने रायता बनाया है। वैसे तो मैं बूंदी का रायता बनाती हूँ, जो वो बूंदी आती है ना उसका, पर लौकी पड़ी हुई थी तो वो मुझे फेंकनी पड़ती, तो इसलिए मैंने उसका रायता बना लिया, और उसका भी रायता काफ़ी अच्छा बनता है, पर मेरी तो वो लौकी की सब्जी बनी हुई थी तो मैंने उसका रायता बनाया है। और ये प्याज है इसको काट के और रख लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, तो धीरे धीरे लगी हूँ काम करने में, सुबह से उठती हूँ तो बस ये समझो दोबारा खाना बन रहा है, क्योंकि सुबह एक बार बनता है तो स्कूल के लिए और सभी लोगों के नाश्ते के लिए थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा जो सुबह का है तो वो मेरे यहाँ पे पराठे वगैरह ऐसा ही आइटम बनता है, क्योंकि स्कूल रहता है इसलिए। हाँ जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन हम दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे पोहा है और भी मैक्रोनी पास्ता नूडल्स वगैरह ये चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन जब स्कूल होता है तो हमारे यहाँ पे सुबह सब्जी पराठा ही बनता है, और ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। तो चावल मेरे बन चुके थे और खाना भी मेरा बन के हो गया रेडी, तो बस मैं लगा रही थी थाली, क्योंकि हमारा जो खाने का टाइम है वो है 12 से 1 का टाइम। इसी टाइम मेरे हस्बैंड की खाने का जो लंच ब्रेक होता है वो खाना खाने आते हैं इसी टाइम, तो बस हम लोग भी मैं भी उन्हीं के साथ इसी टाइम खाती हूँ खाना। तो बस ये 2 थालियाँ लगाई हैं मैंने, और मेरे हस्बैंड बैठे हैं खाने के लिए, तो बस ले जाते हूँ खाना। और आज है सब्जी छोले की सब्जी, चावल, रायता और रोटियाँ।